नमस्कार दर्शकों, आज मेरे साथ स्क्रीन पे एक बहुत ही परेशान दर्शक है। इनका नाम है ऋषभ कपूर, दिल्ली से। ऋषभ जी, क्या कहानी है आपकी और क्यों लेंसकार्ट से आप इतने परेशान हैं, बताइए दर्शकों को। सर, एक्चुअली जो मेरे साथ हुआ है वो आई डोंट थिंक इज अ एथिकल थिंग व्हिच हैज हैपेंड टू मी, क्योंकि सर ये जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं सर, ये अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ। मतलब ये लोग ये सोचते हैं कि अगर ये लोग हम लोग को सामान कम रेट में दे रहे हैं तो ये लोग हम लोग को नौकर बना के मतलब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जो मेरे साथ सिचुएशन हुई है वो ये हुई है सर कि मैंने इनसे एक पहले एक बोला कि आप सर मेरी एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो, उस अपॉइंटमेंट पे आप हमारे घर पे आओ, और क्योंकि ये लोग भी ऑप्शन देते हैं कि आप हम आपके घर पे जो है किसी को भेज के आपका चश्मा सिलेक्ट करवा के वो नंबर आपका बनवा देंगे। लेकिन ये लेंसकार्ट की बात कर रहे हैं आप? लेंसकार्ट की बात कर रहा हूँ सर। तो लेंसकार्ट ने वो ऑप्शन हम लोग को दे रखा है कि आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके टाइम स्लॉट चूज करके आप बताओ, और हमारा बंदा आके आपके पास आके आपका नंबर वगैरह भी टेस्ट करेगा और आपको फ्रेम भी सिलेक्ट करवा के जाएगा। आप परेशान क्यों हैं लेंसकार्ट मुद्दे पे? परेशान सर इसलिए हूँ क्योंकि अब इन्होंने, मैंने जो टाइम सिलेक्ट किया, पहली बात तो मैंने 1 to 3 PM का टाइम सिलेक्ट किया था ऑन 6th of September। Okay. और सर ये लोग टाइम के ओबे करते ही नहीं है, ये लोग आए नहीं सर। मैं पूरे दिन वेट करता रहा कि भाई 1 से 3 के बीच में आएंगे, 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं, मजाक बना के रखा है सर, 7 बज गए। एंड आई देन आई कॉल्ड दिस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव टीम, दे ऑलरेडी हेल्प मी, दे सेड ओके सर नो प्रॉब्लम, हम आपकी अपॉइंटमेंट कल को फिक्स करते हैं। लेकिन और जो मेरा दिन बेकार हुआ उसका कौन देखेगा, उसको कौन देखेगा? मैं पूरे दिन घर बैठा रहा जस्ट बिकॉज कि मुझे लगता था कि वो लोग आएंगे। अब वो बोल रहे हैं फिर से एक और दिन, कल फिर से वो आएंगे, मतलब अब कल को फिर वो बोल दे कि आज हम नहीं आ पाए। मतलब क्या मजाक बना के रखा हुआ है कस्टमर्स का कि आप अपने मन करेगा तो आओगे, नहीं करेगा नहीं आओगे। दूसरी बात सर, दूसरी बात जो मेन है, उनकी कस्टमर केयर जो मैम थी जिनसे मेरी बात हुई थी, ऑल दो उन्होंने सॉरी भी बोला बहुत मुझे, मतलब अपोलोजेटिक वे में बहुत सॉरी वगैरह भी कहा, कन्विंस भी किया, लेकिन उन्होंने एक बात कही, सर आपने अपॉइंटमेंट की थी लेकिन आपने कैंसिल कर दी। भाई आपने कैंसिल कर दी? हाँ, कहते आपने अपॉइंटमेंट करी और आप ही ने कैंसिल कर दी, इसीलिए हम नहीं आए। वाओ, मतलब इतना अच्छा जस्टिफिकेशन दे रहे हो, तुमने एक मेल भी किया लेंसकार्ट, हैव यू एवर मेल्ड मी एनीथिंग दैट यू हैव कैंसिल्ड माय अपॉइंटमेंट? मतलब आपने अपॉइंटमेंट बुक करी, आपने कैंसिल नहीं करी, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया, ब्लेम भी आपके ऊपर डाल दिया। एग्जैक्टली, और उसके बाद भाई साहब लेंसकार्ट भाई साहब शांत बैठे हैं, मस्त बैठे हैं, ये भी नहीं बता रहे सर आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ है। अगर तुम्हें मुझे नोटिफिकेशन नहीं देने तो भाई तुमने मेरा मेल आईडी क्यों लिया था, मेरा फोन नंबर क्यों लिया था, बताओ मुझको। चलो वो भी एक सेपरेट इशू, मतलब कस्टमर को तो तुम अपने हिसाब से चलाने वाले हो, ये पहली पॉइंट है। दूसरा, कस्टमर का टाइम तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता। तीसरे, तुम कस्टमरों को लालच दे देके 1500 में 2 चश्मे 2000 में 2 चश्मे, ये कार्ड वो कार्ड, दुनिया भर के तुमने नाटक बना रखे कस्टमर की, तुम वैल्यू तो कर नहीं सकते भाई, क्या ऑफर दोगे? अब बात आती है मेरी पॉइंट पे, जिस वजह से मैं नाराज हूं सर। अब ये लोग तो टाइम से आए नहीं, कुछ इन्होंने किया नहीं। सर आपको पता है मेरी फ्लाइट है, मेरे को अब्रॉड ट्रैवल करना है, अभी मुझे 6 महीने बाद वापस आना है, तो मैंने कहा चलो चश्मे मैं यहाँ से बनवा के लेके जाऊंगा क्योंकि वहां जाके मुझे नहीं खर्चा करना एक्स्ट्रा। अब महाराज जी लेंसकार्ट वाले डिले ऐसा कर रहे हैं, अब बताओ अगर कल को चश्मे मेरे, अब तुमने नई अपॉइंटमेंट दे दी मुझे, लेकिन अभी एक दिन की ट्रैवल जो तुम्हारा एक दिन का डिले हुआ है, उस डिले के चक्कर में अगर मैं अभी, मेरी फ्लाइट है 10 तारीख की, मैं चला गया 10 तारीख को और चश्मे 11 तारीख को आते हैं या मेरे जाने के बाद आते हैं, तो क्या करूंगा भाई मैं उन चश्मों का? कौन पहनेगा उनको भाई? तुमने 6000 रुपए का बिल बनवा दिया मेरा, कौन पहनेगा उन चश्मों को? क्या दर्शकों का भाई बताओ मुझको। दर्शकों, ऋषभ कपूर की ये इशू है कि इन्होंने लेंसकार्ट पे एक अपॉइंटमेंट बुक करी, लेंसकार्ट वाले 1 से 3 के अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद पहुंचे नहीं, सारा दिन इंतजार करते रहे ऋषभ कपूर। उसके बाद लेंसकार्ट से जब बात करी शाम को तो वो कहते हैं आप ही ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी, जबकि ऋषभ कपूर कहते हैं कि मैंने तो अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करी थी। आज हो गई 7 सितंबर, ऋषभ ने फिर से अपॉइंटमेंट फिक्स करी है, लेंसकार्ट वाले आए अब ऑर्डर वॉर्डर दे रहे? सर आज जब वो मेरे पहली अपॉइंटमेंट 5 सितंबर को की थी कि 6 सितंबर को वो आए, वो कैंसिल हो जाती है, फिर 6 सितंबर को उनको कस्टमर केयर को कॉल करी तो वो बोले कि अभी आके ऑर्डर ले गए या नहीं ले गए? ऑर्डर सर मेरा ले गए हैं। अब 9 तारीख की इनको कमिटमेंट किए कि इनके चश्मे 9 तारीख तक आएंगे, और ऋषभ ने फॉरन में फ्लाई करना है, वो पढ़ने जा रहे हैं बाहर, और ऋषभ को अब ये टेंशन है कि अगर 9 तारीख तक चश्मे नहीं पहुंचे तो फिर इसका हर्जाना कौन भरेगा? यही इशू है ना आपका? एग्जैक्टली सर, अब वहां जाके जो मेरा खर्चा होगा वो आप दोगे
नहीं नहीं वो आप टेंशन ना लो, आज 7 सितंबर है, ये वीडियो हम 7 सितंबर को यहाँ प्रेस पे चला रहे हैं ना, तो अब अगर लेंसकार्ट ने अपनी कमिटमेंट पूरी ना करी 9 सितंबर की, तो फिर से जोर से पुंगी बजाएंगे लेंसकार्ट की, आप टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरी सपोर्ट सर। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक देखें, इस तरह से आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, और इसी तरह वीडियो इन वीडियो हमारे साथ लाइव आके किसी प्राइवेट कंपनी से भी आपको अगर प्रॉब्लम है, कोई भी आपको उल्टा पंखे की तरह पंखे से लटका देता है जैसे लेंसकार्ट ने ऋषभ कपूर को लटकाया, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। 1 2 3 बोलो जय जगन्नाथ, जय जनता, 4 5 6 बोलो खोको से। लेंसकार्ट जी आप नजरों में आ गए हो, रॉबिन हुड और आम प्रेस की, वॉच आउट। थैंक यू ऋषभ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, बाय सर।